जय हिंद साथियों, जय भारत। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, राजस्थान पुलिस के भावी सभी कांस्टेबलों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनको रिजल्ट का इंतजार है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनको नई भर्ती की इंतजार है उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्द आपको राजस्थान पुलिस की एक नई भर्ती देखने को मिलेगी, और बहुत बड़ी संख्या में बड़े पदों पर वो भर्ती निकाली जाएगी। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस परिणाम में देरी क्यों, क्योंकि इसके बारे में आपके बहुत सारे मैसेज प्राप्त हो रहे थे। एक दूसरा बात करेंगे कि परिणाम, सभी परिणाम कब तक आ जाएंगे। जितनी भी यूनिट है, 40-45 यूनिट है, उनके कब तक सारे रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। और दूसरे बात, जो मुद्दा अभी नया नया है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपके मैसेज मिल रहे थे कि ये फुल नंबर जो हमारे फाइनल आंसर की, मैं आपने देखा होगा कि प्रत्येक रिजल्ट में कम से कम 8 से 9 या कहीं कहीं 12 नंबर तक फुल मार्क्स दिए हुए थे। तो वो फुल मार्क्स किन्हें मिले, किनको नहीं मिले, तो इन सारी चर्चाएं बात करेंगे। और जितनी जानकारी हमें मिल पाती है विभाग से, हमारे जो मित्र वहां पे अपॉइंट किए हुए हैं उनसे, वो सारी हम आपसे शेयर करते हैं। साथियों, पहले बात करेंगे राजस्थान पुलिस परिणाम में देरी क्यों। साथियों, किसी भी प्रकार से पुलिस के परिणाम में देरी नहीं की गई है। आपने देखा होगा कि बाकी भर्तियों में जितने भी रिजल्ट्स आते हैं उनमें महीना 1.5 महीना लग जाता है, जबकि 28 तारीख से फिजिकल आरंभ हुए और अब तक 14 से ज्यादा यूनिट के रिजल्ट डिक्लेयर किए जा चुके हैं। यानी किसी भी प्रकार का देरी नहीं होती। जबकि कभी कल और एक दिन रिजल्ट नहीं आए तो हम बात करते हैं कि छुट्टी। पुलिस विभाग में हमारे मित्र लगे हुए हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बोला कि सप्ते के 7 दिन और महीने साल के 365 दिन विभाग में कोई भी छुट्टी नहीं होती। यानी पुलिस विभाग हमेशा 24 घंटा काम करता रहता है, आपके रिजल्ट्स पे छुट्टी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी किसी भी प्रकार की छुट्टी रहती है, इवन दीपावली के दिन या किसी भी बड़ा त्यौहार के दिन भी रिजल्ट्स घोषित किए जा सकते हैं। छुट्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रिजल्ट्स पे कि छुट्टी होने के कारण आपका परिणाम नहीं है। साथ ही परिणाम में देरी क्यों, तो मैंने जब हमारे मिलने वाले मित्र से बात की तो उन्होंने ये बताया कि आज तारीख तक जितनी भी यूनिट है उन सब के परिणाम तैयार हो चुके हैं। यहाँ तक कि CIDIB का फिजिकल लास्ट 7 नवंबर को हुआ था, सबसे बाद में फिजिकल हुआ था, उसका परिणाम भी तैयार हो चुका है। केवल परमिशन अनुमति की देरी के कारण ये रिजल्ट लेट हुआ है। यानी साइड में कुछ वो परिणाम जो राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें कुछ माइनर मिस्टेक हो गई थी, उसके कारण कुछ रिजल्ट्स अपलोड नहीं किए। सबसे बड़ी कारण तो ये थी कि इसमें अपने जो SP होता है उसकी परमिशन नहीं मिली थी, इस कारण रिजल्ट्स में थोड़ी देरी हो गई है। अब हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस के जो सभी रिजल्ट्स हैं वो कब तक डिक्लेयर कर जाएंगे। तो आज शाम से, यानी आज 9 तारीख है, 9 तारीख की शाम से 11 नवंबर तक सारे यूनिट, यानी इसमें जयपुर कमिश्नरेट, जोधपुर कमिश्नरेट, CIDIB, सभी प्रकार के रिजल्ट्स आपके डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। यानी 11 नवंबर तक आपकी 40 से 48 जितनी भी यूनिट है सभी के परिणाम 11 नवंबर तक डिक्लेयर किए जाएंगे। दूसरा, आपके परिणाम लेट आने का एक आपको फायदा भी है। फायदा क्या है कि यदि जितने रिजल्ट लेट आएंगे उतने एक साथ सभी यूनिट के एक साथ डिक्लेयर किए जाएंगे, ताकि आप अपनी मनपसंद जिस जिले या यूनिट से आप ज्वाइन करना चाहते हो वहां पे आपको जाने का मौका मिल जाएगा। नहीं तो अभी एक यूनिट का रिजल्ट आ गया और एक यूनिट का यदि 10 दिन बाद में रिजल्ट आया तो आपने पहले यदि किसी यूनिट में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए तो आप अपनी मनपसंद यूनिट को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, आपको कई प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो जितना रिजल्ट आएंगे, लेकिन अब आपको एक फायदा है कि इन 3 दिन के बीच बीच में आपके सारे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। यानी आपको जो पसंद हो, जो जिला, जो RAC पसंद हो, उसमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देना। दूसरा एक मुद्दा, इसके बारे में भी बहुत सारे मैसेज आपके आए कि फुल नंबर का क्या मामला है, किसको मिला। कई बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा इनके कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। फुल नंबर जो दिए गए थे आपके, कम से कम 12-12 एक जगह 12 क्वेश्चन पे फुल मार्क्स थे, कई जगह 9 नंबर पे फुल मार्क्स थे। ये फुल मार्क्स उन सभी विद्यार्थियों को मिला है जिन्होंने पेपर दिया है। यानी यदि उसने खाली छोड़ा है वो क्वेश्चन और उसमें फुल मार्क्स दे रखा है तो भी उसको उस क्वेश्चन का 1 नंबर मिला है। उस क्वेश्चन को उस विद्यार्थी ने यदि गलत भी किया है तो भी उसको 1 नंबर मिला है, और यदि उसने सही भी किया है तो भी उसको फाइनल आंसर की में 1 क्वेश्चन मिला है। यानी यदि आपके
जो रिजल्ट था उसमें यदि 10 जगह फुल मार्क्स दिए हैं तो वो सभी विद्यार्थियों को 10 नंबर फ्री में मिले। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने वो खाली छोड़ दिया तो उसको उसका नंबर नहीं मिलेगा फुल मार्क्स का, वो सभी को मिलेगा। इस फुल मार्क्स का मतलब ये है कि विभाग से जो विभाग ने पेपर बनाया है उसमें उस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई थी, कुछ कमियां रह गई थी, इस कारण सरकार ने वो क्वेश्चन सभी के लिए उसका समान नंबर दिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी विद्यार्थी को मिला या किसी को नहीं मिला, वो जितने भी विद्यार्थी है उन सबको मिला है। साथ ही दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको यदि दैनिक अपडेट चाहिए यानी नई भर्तियां जितनी भी आती है या किसी भी प्रकार की करंट अफेयर से या न्यू जो क्लासेज होती है उनकी अपडेट किसी भी प्रकार से चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना, अरावली क्लासेज के नाम से यदि आप सर्च करोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो तुरंत ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको दैनिक अपडेट्स मिलती रहेगी और जो जानकारी हमें मिलती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, वो जितना बताते हैं उतने ही हम आपको बताते हैं, किसी भी प्रकार की अधिक जानकारियां आपको नहीं बताई जाती, जितनी हमारे पास होती है उतनी आपके पास बताई जाती। हमने बात की है तो उन्होंने साफ कहा है कि सभी यूनिट्स का रिजल्ट तैयार हो चुका है, 11 नवंबर से पहले पहले सारे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, इवन मुझे लगता है कि आज शाम को भी रिजल्ट्स आएंगे। तो आज शाम से लेके 11 नवंबर तक सारे रिजल्ट आपके लिए डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। मुझे खुशी है कि ये रिजल्ट बहुत जल्द आ रहे हैं और आपको इन रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, मैं दुआ करता हूँ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।